दिल्ली में रविवार सुबह लगातार तीसरे दिन यमुना नदी में जहरीला झाग देखने को मिला। आपने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि भाजपा यूपी से यमुना में गंदा पानी छोड़ रही है, जिसके कारण दिल्ली में पानी में झाग बन रहा है। एक तरफ दिल्ली में आप वार लेवल पर प्रदूषण से निपटने में लगी है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा गंदी राजनीति कर रही है। इसके जवाब में ईस्ट दिल्ली से भाजपा सांसद हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि आप सरकार ने 1000 करोड़ रुपए प्रदूषण के टैक्स के रूप में कलेक्ट किए थे, सीएम आतिशी को बताना चाहिए कि उस फंड का क्या हुआ। अब यमुना का पानी दिल्ली में आता है तब इसका ऑक्सीजन लेवल 9 रहता है, जब दिल्ली से निकलता है तो ऑक्सीजन लेवल 0 हो जाता है। दिल्ली में अलग अलग ड्रेनेज पॉइंट पर मौजूद ड्रेनेज प्लांट काम नहीं कर रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश बिना किए फैक्ट्री वेस्ट यमुना में डालता है। आज से दिल्ली जल बोर्ड वहां एक ड्राइव चला रही है, इसके तहत वहां पर फोम को कम किया जाएगा। दिल्ली में यमुना नदी में झाग को लेकर दिल्ली जल बोर्ड ने 18 अक्टूबर को मीटिंग की थी। इसमें छठ पूजा के दौरान झाग न रहे, इसे लेकर चर्चा की गई। दरअसल हर साल ओखला के कालिंदी कुंज में बैराज पर छठ पूजा के दौरान नदी में डुबकी लगाने के लिए सैकड़ों भक्त आते हैं। देखिए, हम किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहते, पर यह सच्चाई है कि हरियाणा अपना अनट्रीटेड एफ्लुएंट यमुना में डालता है। हम किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहते, लेकिन यह सच्चाई है कि यूपी अपना अनट्रीटेड एफ्लुएंट इस समय यमुना में डालता है। वो जब छठ का सीजन आता है तो वो आगरा कनाल के गेट्स बंद कर देते हैं कि उनका सारा अनट्रीटेड वेस्ट यमुना जी में आए, लेकिन दिल्ली सरकार हमेशा सोल्यूशन ओरिएंटेड रही है। अरविंद केजरीवाल जी का हमेशा ये मोटो रहा है कि हमें समाधान ढूंढ रहे हैं, और उसी समाधान के तहत हम फूड ग्रेड सिलिकॉन बेस्ड डीफोमर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आज से दिल्ली जल बोर्ड एक प्रॉपर ड्राइव वहां पे चला रहा है। उस ड्राइव के तहत जो सारी फोम है वहां पे डीफोमिंग शुरू करी जाएगी। तो इसलिए देखिए, वो चाहे काम खराब करने की कोशिश करें, वो चाहे दिल्ली वालों को परेशान करने की कोशिश करें, लेकिन आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार हमेशा दिल्ली के लोगों के लिए कोई ना कोई समाधान जरूर।